दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के एक बहुत ही खूबसूरत शहर गांधीनगर को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों गांधीनगर भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित एक शहर है और दोस्तों यह गुजरात राज्य की राजधानी भी है। यह अहमदाबाद से उत्तर में साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चंडीगढ़ के बाद यह भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से आयोजन से बसाया गया है। इसे हरित नगर यानी ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गांधीनगर शहर की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 2.5 लाख से भी अधिक है। दोस्तों महात्मा गांधी की याद में इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया है। यहाँ के अधिकांश लोग सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी करते हैं। गांधीनगर शहर से 36 किलोमीटर पूर्वोत्तर में साबरमती नदी के पश्चिम तट पर स्थित है और गुजरात राज्य की राजधानी भी है। दोस्तों 649 वर्ग किलोमीटर में फैले गांधीनगर को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर माना जाता है। दोस्तों गांधीनगर शहर अहमदाबाद से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में साबरमती नदी के दाएं तट पर स्थित एक खूबसूरत और दर्शनीय शहर है। दोस्तों कहा जाता है कि बात अगर भारत के राज्यों की हो और गुजरात के बिना पूरी कैसे हो सकती है। दोस्तों चाहे वह आज़ादी की लड़ाई हो, महात्मा गांधी को कैसे भुलाया जा सकता, वहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो, वहीं व्यापार के क्षेत्र में अडानी हो या अंबानी, ये सभी भारत के एक टॉप GDP वाला राज्य गुजरात से आते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप गुजरात राज्य को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले से ही गुजरात राज्य पर एक कंप्लीट वीडियो कर रखा है। इसमें हमने गुजरात राज्य के खूबसूरती, टूरिज्म, इतिहास को भी, उसके साथ साथ उसके आगे होने के राज को भी अच्छे से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखें, आपको उस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप उसे जरूर देखें। खैर दोस्तों गांधीनगर शहर अहमदाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा और 649 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लिए खूबसूरत और दर्शनीय शहर है। दोस्तों आप गांधीनगर शहर में फ्लाइट, बस, ट्रेन या फिर मेट्रो से भी आ जा सकते हैं। दोस्तों आज़ादी के बाद 1960 ईस्वी में जब मुंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया तब इसे गुजरात की राजधानी के रूप में आधिकारिक दर्जा मिला। इस शहर का नाम राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। दोस्तों गांधीनगर शहर की वास्तुकला देखी जाए तो वो भी एक सुयोजित शहर की ओर इशारा करती है। इस शहर में अक्षरधाम मंदिर भी है जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी वास्तुकला और शैली किसी को भी मोहित कर सकती है। करीब 108 फीट ऊंचा यह मंदिर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाई गई है जहां हर साल करीब 20 लाख से भी अधिक लोग आते हैं। बाकी शहर की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों गांधीनगर के इतिहास की बात की जाए तो यह शहर करीब 800 से 1000 साल पुराना है। इस शहर को पहले पेठापुर के नाम से भी जाना जाता था जो यहाँ के राजा पेठापुर के नाम पर 13वीं शताब्दी में रखा गया था। तब गांधीनगर का कोई अपना नाम नहीं था, सिर्फ राजा के नाम पर ही इसे चिन्हित किया गया था। दोस्तों ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस शहर में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जो न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ के साबरमती संग्रहालय में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है जो लगभग सभी पर्यटक जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। दोस्तों गांधीनगर में घूमने के लिए अडला लॉज, स्टेपवेल, अक्षरधाम मंदिर, त्रिमंदिर और सरिता उद्यान जैसे जगहों को देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा भारत का यह शहर, आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।